हेलो एवरीवन, वेलकम टू आशा देवस किचन। सो आज हम बनाने जा रहे हैं सीजन का स्पेशल रेसिपी, गाजर का हलवा। आप देख सकते हैं ये बहुत ही बढ़िया लग रहा है। सो चलिए देखते हैं हमें गाजर का हलवा कैसे बनाना है। तो सबसे पहले हमें गाजर को अच्छी तरह से ग्रेट कर लेना है उसे। सो यहाँ पे मैंने करीबन 1 किलो गाजर को इस तरह से ग्रेट कर लिया है, आप देख सकते हैं इसे। अब उसके बाद, अब जब हमारा गाजर ग्रेट हो चुका है, तो मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई में 3 टेबलस्पून घी गरम करने के लिए रखा है। जैसे ही हमारा घी थोड़ा सा गरम हो जाता है, हम उसमें ऐड करेंगे हमारे कद्दूकस किए हुए गाजर। अब इसे हमें करीबन 20 से 25 मिनट के लिए अच्छे से कुक करना है। तो जब हम इसे पका रहे हो, तो याद रखें कि हमारा जो गैस का फ्लेम है वो हमें लो रखना है, क्योंकि ये जितना ज़्यादा आप इसे कुक करेंगे, जितना अच्छे से ये पकेगा, उतना ही अच्छा इसका टेस्ट भी आएगा। तो अब हमारा गाजर अच्छे से कुक हो चुका है, तो हम इसमें ऐड करेंगे दूध। तो यहाँ पे मैंने करीबन 1 और आधा कप दूध यूज़ किया है, और इसे मैंने दूध को थोड़ा सा गर्म करके लिया था पहले से ही। तो दूध ऐड कर लेने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप शक्कर। तो अगर आप मीठा ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, तो आप थोड़ा सा ज़्यादा भी शक्कर यूज़ कर सकते हैं। शक्कर ऐड कर लेने के बाद हमें इसमें थोड़ा सा मिक्स कर लिया है, और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर, और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे नट्स। तो यहाँ पे मैंने काजू, बादाम और किशमिश ले लिया है, और इन सभी को मैंने थोड़ा सा चॉप किया हुआ है, उसके बाद मैंने इसमें ऐड किया है, और इसे हम अच्छे से भून लेंगे अभी। तो हमने जो इसमें दूध ऐड किया था, वो जब तक पूरी तरह से सूख नहीं जाता, और क्या, तब तक हम इसे अच्छे से कुक कर लेंगे। तो अब हमारा जो गाजर का हलवा है, वो पूरी तरह से तैयार है और सर्व करने के लिए रेडी है। तो इसके बाद हम इसमें गार्निशिंग के लिए थोड़े से नट्स ऊपर से ऐड कर देते हैं। तो अब ये रेडी टू सर्व है। आप देख सकते हैं ये बहुत ही बढ़िया, बहुत ही टेस्टी लग रहा है। तो गाइज, अगर आपको हमारा ये रेसिपी अच्छा लगा हो, तो इसे ज़रूर ट्राई करें, और हमें कमेंट सेक्शन में आपका फीडबैक ज़रूर शेयर करें, और हमारा जो वीडियो है उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।